आपको इस तरीके से एंट्री है, बाकी देखते हैं अंदर जाके। भाई वहाँ पे तो पानी है, मुझे पानी ज्यादा दिख रहा है कुछ। और हम पेट भरेंगे अपना, चलते हैं भाई सामने वाले मंदिर में। तो गाइस ये रही गुफा, इसमें देखते हैं चल के कैसा लगता है। भाई काफी डर तो लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई मंदिर इस बार का? बहुत सही सजा हुआ है ना। तो गाइस ये खड़ा, ये भी वीडियो बना रहा है, मजे ले रहा है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज का व्लॉग शुरुआत होता है हमारी अम्मा के साथ, और आज हमारी अम्मा बताएंगी आज का व्लॉग है किस टॉपिक पे। तो आज का व्लॉग हमारा किस टॉपिक पे है? कृष्ण जन्माष्टमी पे, और हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग की धमाकेदार शुरुआत। और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर से मंदिर घूमने, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ मनाई जाती है, और किस तरीके से धूमधड़ाका मचता है, लोग आगों में चहल पहल होती है। तो चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करता हूँ अपने ही मंदिर से। इस तरह का सजाया हुआ है हमारा मंदिर। ये रहे कृष्ण कन्हैया लाल जी, बाकी यहाँ पे रखा है गुरगुरा, यहाँ पे रखी है टॉफी, और यहाँ पे चुपा चुप उभार ने तो अपने सारे, मतलब छोटे भाई ने सारी चीज़ें निकाल ली अपनी अपनी, बाकी छोड़ दी। कह जो आएगा वो ले जाएगा, बाकी मैं पहले निकाल लेता हूँ अपनी, उसका सही है भाई। बाकी ये देखो कितना मस्त डेकोरेट करा हुआ है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपने पास वाले मंदिर पे, जिसका नाम है गढ़ी मंदिर। यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी में सबसे ज़्यादा डेकोरेशन होती है, सबसे मस्त डेकोरेशन होती है। आप भी चौंक जाओगे भाई साहब, डेकोरेशन देख के मज़ा आ जाता है कसम से। इतनी सारी भीड़ होती है, मज़ा आने वाला है। बाकी भाई ने बुलाया है, भाई वहीं पर है, तो उसके साथ वहीं पर ब्लॉग करते हैं। अब चलते हैं वहीं पर सीधे डायरेक्ट। तो गाइस ये खड़ा, ये भी वीडियो बना रहा है, मज़े ले रहा है। ये रे शिवम भाई अपने, और शिवम भाई सब बढ़िया, और इस तरीके से जा रखा है कुछ। काफ़ी भीड़ है, आते जा रहे हैं लोग। बाकी चलते हैं अंदर, अब घूम आए भाई। ये कह रहा है कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि गाने चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कॉपीराइट के लिए तैयार हैं हम। बाकी कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, कॉपीराइट आने तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाह भाई वाह, मस्त ही सजा रखा है एकदम। और भाई यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, इनका बहुत बहुत थैंक्स है हमारे ब्लॉग की तरफ से। तो गाइस कुछ इस तरीके से झांकियाँ सजी हुई हैं, ये देखो कितने मस्त कृष्ण जी और राधा जी सजा रखी हैं। बाकी सबसे ज़्यादा भीड़ है कान्हा जी वाले मंदिर पे, जहाँ पे कान्हा जी सजाए गए हैं और पालकी बिठाई गई है। इस तरीके से कुछ सजाया गया है, दिख रहा है कि आपको कुछ मुझे बताना शायद दिख पा रहा होगा। बाकी बढ़िया करके सजा रखा है एकदम, मस्त डेकोरेशन ही देखो, काफ़ी मस्त तरीके से ऊपर की भी डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर रखी है। बाकी ये रहा हमारा मेन मंदिर कान्हा जी का, भाई मस्त है यार एकदम, वाह इतनी बढ़िया डेकोरेशन पिछले साल भी नहीं थी जितनी बढ़िया इस बार है। बाकी अंदर चल के देखते हैं क्या है सीन। चलो इसे ही बुला लेते हैं, चल भाई चल चलें। कैसा लग रहा है भाई मंदिर इस बार का? बहुत सही सजा हुआ है ना। चलो घंटा भी आते हैं सबसे पहले, बहुत शौक है। भाई ये कह रहा है भीड़ बहुत है, इसलिए दूसरे वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्लॉग के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से सजता है इतना मस्त मस्त मंदिर हमारे यहाँ। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसी जगह सजता है कि। और शिव भाई मज़ा आ गया नहीं? हेलो। तो कुछ इस तरीके से रेलिंग्स लगा रखी हैं आस पास, चलते हैं भाई सामने वाले मंदिर में। तो गाइस ये रही गुफा, इसमें देखते हैं चल के कैसा लगता है। भाई काफ़ी डर तो लग रहा है, बहुत नीचे है मेरी हाइट से, तो मुझे तो झुक के चलना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जल्दी चल भाई, आज ये मेरे साथ वीडियो पता नहीं कैसा बना रहा है। चल चल चल, अटक मत जाइयो। अरे यार निकल गए। और गाइस कुछ इस तरीके से, वाह गजब। तो गाइस ये भी इस बार ब्लॉग चैनल बनाने के बोल रहा है, बनाएगा क्या? मज़ा आएगा भाई, पूरा सपोर्ट मिलेगा भाई को। इस तरीके से गुफा, बाकी आगे चलते हैं। ओरिजिनल गुफा दिखेंगे, कहाँ पे है ये? शायद पहली घूम आया, तू पहली घूम आया क्या? मैंने देखी बाजार। अच्छा बाजार में इसने सुनी है। चलो फिर चलते हैं ओरिजिनल गुफा देखने, बाकी डुप्लीकेट थी। ये डुप्लीकेट
हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन एक तरीके से एक व्यू देना वो बढ़िया बात है। आगे देखते हैं जाके, जिस तरीके से फल लगे रहते हैं हर एक मंदिर के आगे, लोग वहाँ आते रहते हैं और सामान खरीदते रहते हैं, यहीं से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। चलें आगे, अब कौन से मंदिर पे जाना है? भाई आज तो ये ब्लॉग में मशगूल है पूरा, अपना ब्लॉग चैनल बना के रहेगा इस बार, मेरे से इंस्पायर हुआ है ना। हाँ मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा अब की बार इसका, अगर ब्लॉग चैनल खुला तो। बाकी देखते हैं, हमारी तरफ से तो पूरा सपोर्ट रहेगा। शिवम भाई सपोर्ट करना है भाई को, बिल्कुल। चलो फिलहाल मैं बोल रहा था कि इस बार ये बनाने वाला अपना व्लॉग चैनल, देखते हैं किस हिसाब से उठता है। बाकी इसने इंस्पायर तो हुआ है मुझसे, देखते हैं बाकी पूरा बना, पक्का बनाएगा ना व्लॉग चैनल यार, कोशिश पूरी करूंगा, कोशिश पूरी रहेगी, सपोर्ट रहेगा तो बस, सपोर्ट की टेंशन नहीं है गाइस, पूरा सपोर्ट करना है भाई को। बीच बीच में गाने चल रहे हैं हर एक जगह, तो कॉपीराइट आने की संभावना है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं है अपने को, आने दो कॉपीराइट, आपके लिए तो कॉपीराइट भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरा मंदिर, हम आ गए हैं दूसरे मंदिर पे और देखते हैं यहाँ की डेकोरेशन, और भाई साहब क्या मस्त सजा रखा है ये भी। बाकी यहाँ पर उतारने का है चप्पल, बाकी मेरी नई चप्पल है, पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी वापस में। आ जा फिलहाल, मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर चुकी है, मैं कर रहा हूँ फ़ोन शिवम व्लॉग शिवम भाई के फ़ोन से। मस्त तरीके से मंदिर सजा रखा है, और भाई देख रहे हो कितना मस्त तरीका है मंदिर सजाने का। और बाकी ये रहे पालकी में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी, और बाकी ये रहे आकाश भाई, ये रहे शिवम भाई। शिवम भाई को थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स, क्योंकि व्लॉग बनाने में सहायता इन्होंने करी है सबसे ज़्यादा। और ये रहा प्रसाद, जो कि अभी पता नहीं कितने जगह से मिलने वाला है, तो आज मिश्री सही हम पेट भरेंगे अपना। तो ये चाह रहे हैं कि ये वाली वीडियो जरूर बननी चाहिए, एक गुफा की, जो कि रियल वाली गुफा है, देखते हैं जाके, मज़ा आने वाला है। जय माता दी, चलो भाई ये रही गुफा, देखते हैं इसे, इस गुफा की बात कर रहा था तू, इस वाली गुफा की बात कर रहा था। ये रहा एंट्रेंस, और बाकी यहाँ चल रहा है राधे राधे का तिलक, मेरे भी लग गया हॉट, टेढ़ा लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इस तरीके से एंट्री है, बाकी देखते हैं अंदर जाके। ओह भाई वहाँ पे तो पानी है, मुझे पानी ज़्यादा दिख रहा है कुछ, और सही में पानी ही है, पूरा मज़ा आ रहा है शिवम भाई। चलो ओ भाई बिल्कुल भाई, बहुत आराम से जाना पड़ेगा, फ़ोन भी है मेरे पास, और भाई गील हो जाएंगे पूरे भाई साहब, देखो पूरे पानी ही पानी, बिल्कुल गुफा वाला मस्त सीन आ रहा है। ठीक है भाई विवेक, विवेक भाई अरे जान पहचान के लोग मिल ही जाते हैं। बाकी ये देखो बजरी बजरी किस टाइप से डाल रखी हैं, आगे जाके देखते हैं, लोग भाग इधर से भी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इधर से भी एंट्री है। चलो आगे चलते हैं, बस ख़त्म हो गई गुफा, चलो 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 चलो, और ये निकल गए बाहर भाई साहब, तो ये रही गुफा। तो गाइस मज़ा आ गया भाई, शिवम भाई कैसा लगा भाई? पूरा मज़ा आ गया, मज़ा आ गया कसम से, सब में पानी पानी और सब चप्पल जूते हमारे गीले हो गए, चिल्ड था भाई कसम से पूरा, मतलब इतना ठंडा पानी था, नॉर्मली मिलता नहीं है। ट्रीट दे रहा है भाई आज तो, व्रत व्रत खुल गया आज, चलो चलो क्या हुआ, ट्रीट नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है आज, ही नहीं कर रहा सीएम भाई, फाइनली डिसाइड कर लो, दे रहा है नहीं दे रहा। यार सब पानी फेर दिया गाइस, एक मंदिर है हमारा यहाँ पे, जो इसे बोलते हैं ना सैन बोलते हैं, देखो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, मस्त डीजे लगा हुआ है यहाँ पे तो, और हो रहा भाई चला गया हमसे पहले ही, ये और मिल गया, चल रहा है मंदिर, अच्छे हम पहुंचे हैं तब आएगा। तो गाइस फिलहाल ये रही इतनी चहल पहल हो रही है भाई मंदिर के बाहर, यहीं पे मंदिर का रास्ता है बस, इसी कट पे आगे वाले कट पे मंदिर का रास्ता है, पॉपकॉर्न वाले जो कि हर मंदिर के बाहर मिल ही जाते हैं, पॉपकॉर्न का नाश्ता हो जाता है, वो भी मंदिर के बाहर पहुँच गए हैं, मस्त वाले मंदिर पे, सबसे विशाल मंदिर है हमारे धनौरा का भाई साहब, ये भी मस्त सजी हुई है, लवी भाई ठीक भाई साहब, मज़ा आने वाला है यहाँ पे भी, देखते हैं अंदर जाके किस तरीके से यहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जा रही है। और भाई मैं चप्पल तो उतार रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन पता नहीं चप्पल मिलेंगी नहीं मिलेंगी वापस, पिछले मंदिर की तरह, चलो आगे चलते हैं, ये रहा मंदिर भाई, मंदिर तो यही है भाई, जो भी है सब मंदिर एक से एक हैं लाजवाब, एक से बढ़कर एक सजावट कर रखी है, और यहाँ पे तो जनसंख्या भी बहुत है। ये तो थोड़ा बाहर का मंदिर है, ये है अंदर का, और ज़्यादा अंदर मतलब मंदिर अंदर, मंदिर के अंदर मंदिर बना हुआ है, तो सामने ये हैं हमारे, मस्त लग रहे हैं भाई। एक और मंदिर, आप सोच रहे होंगे कितने मंदिर हैं यहाँ पे, तीन मंदिर हैं भाई, एक तो उधर है और एक इधर है, वहाँ पे दो मंदिर हैं उधर साइड, बाकी ये कुछ तरीके से है।
तो मैंने चप्पल यहाँ पे उतारी थी, यहाँ से चप्पल उठा लेते हैं पहले, और वहाँ पे चल रहा है डांस, चलो वहाँ पे चलते हैं। गाइस सबसे फेमस डांस है हमारे धनौरा का जो कि ये रहा, ये देखो कितना मस्त डांस करता है भाई बंदा। और बाकी ये असली डांस चल रहा है यहाँ पे, और ये रहा यहाँ पे जो वी आई पी वाला डांस चल रहा है। ये रही दुर्गा मैया की, यहाँ की ब्लॉग लवर वो खड़ा हमारा ब्लॉग माने के लिए स्पेशली कह रहा था। चलें शिवम भाई, चलें अब शिवम भाई, ज़्यादा आगे निकल गए क्या? चलो देखो भीड़, रात के बज रहे हैं लगभग 10 और हम अभी भी टोल रहे हैं सड़कों पे शिवम भाई के साथ। हाँ भाई क्रेज़ देखो कितना ज़्यादा है कवाली का, ये चल रही है यहाँ पे कवाली, पहली बार ऑर्गेनाइज हुई है कवाली जन्माष्टमी पे हमारे यहाँ, देखते हैं कैसी चल रही है। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ कवाली, आज तक बस सुना ही सुना था, तो इस तरीके से बन रही है, बज रही है। मंजीरे मंजीरे सब भाई नीचे लगे हुए हैं। और ये है एंट्रेंस गेट यहाँ का, जो कि जिससे कि हम एग्जिट हो रहे हैं अभी, आना था यहाँ से जा रहे हैं फिलहाल हम यहाँ से। देखो भाई भीड़ का माहौल तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है घर तक जाना है। बच्चों के खिलौने, हाँ भाई बच्चों के खिलौने भी आगे मिल रहे हैं ना, तो इस चक्कर में भी भीड़ बहुत रहती है, छोटे छोटे बच्चे जिद करने लग जाते हैं घर में लेके चलो, जो जन्माष्टमी देखने भी नहीं आते ना बंदे, वो भी खिलौने दिलवाने आने पड़ता है उन्हें बालकों के चक्कर में। क्यों भी शिवम भाई ऐसी है? बाकी आकाश भाई तुम भी लेके आओगे ना खिलौने दिलवाने बालकों को? देखो भाई भीड़ का माहौल तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है घर तक जाना है। बच्चों के खिलौने, हाँ भाई बच्चों के खिलौने भी आगे मिल रहे हैं ना, तो इस चक्कर में भीड़ बहुत रहती है, छोटे छोटे बच्चे जिद करने लग जाते हैं घर में लेके चलो, जो जन्माष्टमी देखने भी नहीं आते ना बंदे, वो भी खिलौने दिलवाने आने पड़ता है उन्हें बालकों के चक्कर में। क्यों भी शिवम भाई ऐसी है? बाकी आकाश भाई तुम भी लेके आओगे ना खिलौने दिलवाने बालकों को? यहाँ पे लग रही है असली भीड़ तो, ये देख रहे हो मस्त एकदम बालकों का सीन है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया लगे रहो भाई। फिलहाल हम सब जा रहे हैं अब अपने घर वापस, क्योंकि बहुत सारी जगह घूम लिए, जितनी जगह थी डेकोरेशन वाली बढ़िया सी वहाँ पे मैंने सब में घुमा दिया है आपको, तीन में से बाहर निकल सकता है वो जिसे भी लेना हो, ये सब फ्री मेरी तरफ से, ले लो जिसे लेना है अभी उठा लो, वैलिड ऑफर है अभी तक अभी के लिए। हाँ दिलवा रहा हूँ इनके लिए है भाई, ऑडियंस के लिए इसे निकल सके। तो ये रहा गढ़ी मंदिर जिससे हमने शुरू में ही पार हुए थे, सबसे पहला मंदिर जो हम घूमे थे। बाकी अब देखो यहाँ पे भीड़ क्या होगा भाई। बाकी उधर साइड है हमारा घर और ये है मंदिर, बस पास में ही है, और देखो उधर से इधर वाला टर्न लेना है तो हमारा मंदिर घर आ जाएगा। सॉरी भाई, लगभग 8 बजे शुरू करी थी हमने हमारी जर्नी यात्रा सी, और ये 10 बजे ख़त्म हो रही है, 10:05 पे शिवम भाई के साथ और आकाश भाई के साथ। तो कैसा रहा आज का सफ़र? मज़ा आ गया ना एकदम? हाँ भाई आकाश भाई मज़ा आ गया, और अंकल जी भी खड़े हैं अभी, चलते हैं फिर शिवम भाई bye bye. अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नए फेस्टिवल पे घूमने फिरने के हिसाब से। क्यों भाई मिलेंगे जल्दी, बाय बाय टाटा।